नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर की 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक मामले में येदियुरप्पा सरकार को शनिवार 4 बजे तक कर्नाटक विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, पीएम मोदी ने पूर्व पीएम व जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की दी शुभकामनाएं। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि आसानी से बहुमत साबित कर देंगे। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कर्नाटक मामले में कहा कि राज्यपाल को कांग्रेस द्वारा सौंपे गए विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं। और बड़ी खबरों में पांचवे नंबर पर है, भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश की तुलना पाकिस्तान से करके देश के लोगों का अपमान किया है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों को नजरअंदाज कर रही है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस प्रमुख अजीत जोगी ने राहुल गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ दौरे की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी भाजपा से नहीं बल्कि मुझसे लड़ने आए हैं। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने गन्ना किसानों को फटकार लगाते हुए कहा कि क्यों बोते हो गन्ना, देश को चीनी की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई और फसल लगाया करो। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कर्नाटक में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगता है कि राज्यपाल ने केंद्र सरकार के इशारों पर कदम उठाया है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की सभी मशीनरी भाजपा के इशारों पर काम करती है। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी ऐश्वर्या राजनीति में आए। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात फार्मूले पर कार्यकर्ताओं को काम बांटते हुए जीतू पटवारी को युवाओं और किसानों को, सुरेश चौधरी को दलितों को और बाला बच्चन को आदिवासियों को संभालने की जिम्मेदारी दी। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, प्रेम प्रकाश मंडल अजमेर के स्वामी ब्रह्मानंद ने उदयपुर के प्रताप नगर में धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीमारियों से बचना है तो हर वक्त प्रसन्न रहा करो। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका का सुनवाई करते हुए कहा कि यदि सरकार भोजन और नौकरी नहीं दे सकते तो भीख मांगना अपराध कैसे हो सकता है। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, पाकिस्तानी लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने नवाज शरीफ की आलोचना करते हुए कहा कि नवाज शरीफ गद्दार हैं और उन्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, अफगानिस्तान क्रिकेट के कप्तान असगर स्टैनिक जई ने भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच को लेकर कहा कि कोहली खेले या ना खेले तब भी शीर्ष टीम है। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर लालचंद राजपूत जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर अर्जुन रामपाल अपनी पत्नी मेहर जेसिया से तलाक ले सकते हैं। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, प्रिया प्रकाश की फिल्म आरू अंदार लव का दूसरा गाना भी हुआ रिलीज और यह फिल्म सितंबर में रिलीज होगी। और ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।